सो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है गाइस कि हमको हमारे एरिया में, हमारे सिटी में आर्ट सप्लाइज, आर्ट मटेरियल इजीली नहीं मिल पाते। ये चीज़ काफ़ी लोग फेस करते होंगे, आप में से भी काफ़ी लोग फेस करते होंगे कि आपको आपकी सिटी में, आपको एरिया में आर्ट मटेरियल जो आप चाहते हैं वो नहीं मिल पाता। सो अभी मैंने रिसेंटली कुछ आर्ट मटेरियल बाय किए हैं, जो कि एक पेपर है वो मैंने ऑनलाइन बाय किया है, बाकी जितने भी आर्ट मटेरियल है वो मैंने ऑफलाइन अपने लोकल मार्केट में बाय किया है। सो आज की इस वीडियो में मैंने जो जो बाय किया है लोकल मार्केट से वो आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, और जो भी मेरे एरिया से है, मतलब जिस सिटी में मैं रहता हूँ उस सिटी में अगर रहते हैं तो अगर उनको भी आर्ट मटेरियल बाय करने में प्रॉब्लम होती है तो भी मैं आगे बताने वाला हूँ कि मैंने कहाँ से आर्ट मटेरियल परचेज किया है। सो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कि मैंने अभी कौन कौन सा आर्ट मटेरियल बाय किया। तो गाइस मैंने ये एक कैनवास बाय किया, और पीछे एक और कैनवास रखा हुआ है जो कि 1.5x2 का है, जिस पे मैंने स्टार्ट भी कर दिया है पेंटिंग करना। अभी बैकग्राउंड ही शेड किया मैंने एक लेयर, तो मैंने ये दोनों बाय किया है। और ये सब कैनवास आपको जिस भी साइज में चाहिए यहाँ इजीली लोकल मार्केट में भी अवेलेबल हो जाता है, तो ये सब आप इजीली बाय कर सकते हैं। ये रॉयल फाइन आर्ट्स कंपनी का है, तो मैंने ये बाय किया जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और गाइज मैंने ये कुछ स्टेटलर पेंसिल बाय किया है, जिसमें 2 8B है, ई है, और ये 2 4B है, तो ये मैंने बाय किया जो कि मेरे पास ख़त्म हो गए थे। और गाइज मैंने सॉफ्ट चारकोल का पूरा पैकेट बाय कर लिया जो कि कैमलिन का है, जो कि मैं सॉफ्ट चारकोल काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, कमीशन वर्क भी मैं इसी से ड्रॉ करता हूँ, कमीशन वर्क में मोस्टली ये सब यूज़ करता हूँ और स्टेटलर पेंसिल यूज़ करता हूँ। सो मेरे पास ये ख़त्म हो गए थे तो मैंने ये बाय कर लिया। और गाइस मैंने कुछ ब्रशेज बाय किए हैं जो कि मैं एक्रेलिक पेंट में यूज़ करने वाला हूँ, तो मैंने कुछ अलग अलग ब्रशेज बाय किए हैं। ये कुछ इस शेप के हैं, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, किस टाइप के ब्रश बोलते हैं, मुझे इसका टाइप पता नहीं। और ये फ्लैट ब्रश मैंने बाय किए हैं कुछ, ये अलग अलग साइज़ के हैं, तो देख सकते हैं ये सब साइज़ का है। और उसके अलावा 2 लाइनर ब्रश जो कि काफ़ी, मतलब स्मॉल एरिया के लिए जो बारीक वगैरह काम हो गया उसके लिए हम यूज़ करेंगे। उसके अलावा मैंने एक पैकेट भी बाय किया ब्रश का, जो कुछ इस तरीके का है, आर्टिस्ट ब्रश लिखा है, और इसका मतलब क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, जो इसका वुड क्वालिटी दिखने में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सो ये मैंने बाय किए हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल है। उसके अलावा मैंने एक ये इस तरीके का ब्रश बाय किया जो कि लार्ज एरिया के लिए है। सो अभी मैंने जो वर्क दिखाया था जिसमें मैंने येलो कलर किया है, सो उसमें मैंने इस छोटे ब्रश का यूज़ करके किया था, लेकिन अगर मैं इसका यूज़ करता हूँ तो डेफिनेटली मुझे काफ़ी कम टाइम लगेगा, काफ़ी कम टाइम में मैं काफ़ी एरिया को पेंट कर पाऊँगा। सो मैंने ये भी बाय किया है। और उसके अलावा ये कुछ ट्यूब्स बाय किए हैं एक्रेलिक के, जो कि ये है इंडियन येलो कलर है और ये ब्लैक कलर है, सो ये भी मैं यूज़ करने वाला हूँ। और एक फिक्सेटिव बाय कर लिया है क्योंकि मेरे पास ये भी ख़त्म हो गया था, एक है वैसे तो, लेकिन ये ज़रूरत पड़ते रहता है तो मैंने इसे भी बाय कर लिया। और गाइज मैंने ब्रूस्टो का पेपर बाय किया है जो कि आप देख सकते हैं एक A4 साइज़ का है और मैंने एक A3 साइज़ का बाय किया, तो दोनों में 50-50 पेपर हैं और 50-50 शीट्स मिल जाते हैं, तो ये भी मेरा काफ़ी टाइम तक चल जाएगा। और इसका मैं अलग से रिव्यू वीडियो भी बनाने वाला हूँ, सो उस वीडियो का वेट करना गाइज। और पीछे जो आपको बोर्ड दिख रहा है ये मैं एक एग्जीबिशन के लिए बना रहा हूँ, जिसमें मैं गौतम बुद्ध का पेंटिंग बनाने वाला हूँ। सो देखते हैं, ये भी मैं काफ़ी जल्दी कंप्लीट करने वाला हूँ, 1-2 दिन में मुझे कंप्लीट करना ही है। और इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, अभी तो मैंने जस्ट बैकग्राउंड सेट किया है, इसको आगे का जो भी प्रोसेस होगा हो सके तो मैं ब्लॉग चैनल पर डालते रहूँगा कंटिन्यू। सो यही कुछ मैंने आर्ट मटेरियल बाय किया है फ्रेंड्स। और अब बात करते हैं कि हमारे एरिया में कहाँ पर मिलता है। सो अगर आप रायपुर में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो आपको जयस्तंभ चौक के पास एक लक्ष्मी स्टेशनरी है, वहाँ पे आपको सारे आर्ट मटेरियल मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी है आर्ट स्टोर, एक और है जो कि थोड़ी दूर पे है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं जितने भी यहाँ पर रायपुर में हम मुझे जितने भी पता है आर्ट मटेरियल के स्टोर, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि कहाँ से मैं अपने जो आर्ट मटेरियल है वो सब बाय करता हूँ। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हालाँकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा कुछ नॉलेज वाला नहीं है, बस मैंने जो बाय किया वो बता दिया। और अगर आपको लगता है कि आपको जानना है कि और कहाँ से हम आर्ट मटेरियल बाय कर सकते हैं, सो बिल्कुल आप कमेंट करना, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।